मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के कोरोना वाले बयान को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह ने कोरोना से अपनी सही तुलना की है। कोरोना से ज्यादा नुकसान प्रदेश का दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने किया है। इनके राज में जनता को बहुत दुख झेलने पड़े थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी वजह से सूडान में फंसे भारतीय वापस आ गए और इन भारतीयों में मध्य प्रदेश के भी 7 लोग शामिल हैं। पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध के समय प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से वहाँ फंसे भारतीय वापस आ पाए थे। आगे भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो भारत सरकार हमेशा आम लोगों के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि तुलना के लिए उनको और कोई वायरस नहीं मिला, कोविड वायरस ही, कोरोना वायरस ही मिला। वो कोरोना वायरस जिसके कारण हाहाकार मच गया था, लोगों की जिंदगी गई थी, अर्थव्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी। वो तो मोदी जी थे जिन्होंने एक नहीं दो दो वैक्सीन जिनके नेतृत्व में बनी और बाद में कोविड का मुकाबला कर लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के मैं भाजपा और संघ के लिए कोरोना वाले बयान को लेकर कहा, दिग्विजय सिंह ने कोरोना से अपनी ठीक तुलना की है। कोरोना वायरस ने जितना नुकसान पहुंचाया था उससे कई गुना नुकसान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को पहुंचाया। मुझे तो यह आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने तुलना भी की तो किससे, कोरोना वायरस से, जिसके कारण हाहाकार मच गया था। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वो तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास की वजह से कोरोना पर काबू पाया गया, वरना कमलनाथ ने तो मध्य प्रदेश की जनता को कोविड के भरोसे ही छोड़ दिया था। पहले जब यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन में भारत के बच्चे फंस गए थे, तब मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की थी कि हमारे बच्चे तिरंगा लेकर निकलेंगे तो युद्ध विराम हो जाए, और हमारे बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया था। अभी सूडान में जो गृह युद्ध की स्थितियां बनी उसमें भी हमारे अनेकों भाई बहन फंसे थे, भारतीय चिंतित थे, मध्य प्रदेश के लोग भी थे और लगातार हम भी सक्रिय थे उनको सुरक्षित निकाल के लाने के प्रयासों में। प्रधानमंत्री को हृदय से धन्यवाद, फंसे हुए लोग अब सकुशल भारत लौट रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी 7 लोग सुरक्षित वापस लौटे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी जो लोग अभी रह गए हैं हम उनको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, विदेश मंत्री जी के प्रयासों से उनको सुरक्षित निकाल के लाने में सफल होंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।